तो दोस्तों लेकर आ चुके हैं रिडल ऑफ द इमॉर्टल एम्परर के एपिसोड नंबर 93 को। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलकर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कुंगियान ने यतियान को बुरी तरीके से हरा दिया होता है। तभी कुंगियान उसके पास आता है और उसे कहने लगता है, यहाँ पर तुम्हें सरप्राइज होने के लिए कुछ भी नहीं है, वैसे भी तुम मेरे हाथों से जल्दी ही मारे जाओगे, और अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। इसको देखकर ये ध्यान के बहुत ज्यादा पसीने छूटने लगते हैं और वो बहुत ज्यादा डर जाता है इसीलिए। तभी ये ध्यान अपना मुंह बकबक बकबक करने लगता है, तोते की तरफ बोल देता है सब कुछ ये कुंगियान को और बता देता है, मैं जो भी कर रहा था वो मेरे मास्टर के कहने पे कर रहा था, प्लीज मुझे मत मारो, और मेरे मास्टर को भी किसी ने कहा था ये करने के लिए, तो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि मुझे जिंजा छोड़ दो। मुझे लगता है ये हेवनली स्वॉर्ड सेट का यून कुंडर होगा जरूरी यून फैमिली से, और अपने सर पटक पटक कर अपनी जान की भीख कुंगियान से मांगने लगता है और बोलने लगता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारा इस काम में जरूर साथ दूंगा कि उस पता लगाने में तुम्हारी मदद करूंगा कि आखिरकार इस काम के पीछे है कौन, मुझे इस बात के लिए माफ कर दो, बस इस बार मुझे माफ कर दो। तभी कुंगियान ये सुनता और बोलता, अच्छा तुम कह रहे हो कि इन सभी के पीछे उसका हाथ हो सकता है वाले स्वॉर्ड सेंट के जिसका नाम है ग्विन क्विनर। तभी ये सुनने के बाद कुंगियान भड़क जाता है और उससे कहने लगता है, उसकी कॉलर पकड़ता है और उसे पूछता है, आखिरकार तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम इस सेंट के बारे में जितना भी कुछ जानते हो मुझे सब कुछ बता दो, क्या जिसकी बात तुम बात कर रहे हो वो युआन डायनेस्टी से आया हुआ है। तभी ये ध्यान उससे कहने लगता है, मुझे उसके बारे में नहीं पता कि वो वहाँ से कहाँ से आई है, लेकिन मैं अभी उससे मिलने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं कभी उससे मिला नहीं, मैं बस ये जानता हूँ कि 2 साल पहले वो अचानक से आ गई थी कहीं से। तभी कुंगियान मान जाता है और उसे बाहर फेंकता है और मन में सोचते बोल लगता है, इसकी डिस्क्रिप्शन मतलब इसके जो बता है उसके अनुसार मुझे देखकर यह लगता है कि जो लड़की है इसके बारे में ये बंदा बात कर रहा है ये ध्यान, वो मेरी सिस्टर हो सकती है जिसका नाम यून कुन्नर है। अब लगता है मुझे हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में जाना ही होगा। तभी जिंगयून पीछे से आता है और कुंगियान से कहने लगता है, मास्टर हमें भी अपने साथ ले चलिए आप, हमें भी उनसे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आखिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। तभी मोजियान उससे कहने लगता है, अगर मास्टर आप वहाँ पर अकेले गए तो वो लोग आपको मार देंगे, अगर हम आपके साथ गए तो वो अपनी रेपुटेशन को आपको मारकर हम सभी को मारकर अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करेंगे। तभी कुंगियान उन्हें मना तो कर देता है, लेकिन सभी के सभी लोग वहीं पर अपने सर झुकाकर उससे भीख मांगने लगते हैं और बोलने लगते हैं, हमारे गाँव के काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं उनके कारण, इसलिए हम आपके साथ जाना चाहते हैं। तभी कुंगियान उससे कहने लगता है, एक बार हम लोग वहाँ पर पहुँच गए तो मैं तुम सभी को वहाँ पर बचाने के लिए काबिल नहीं रह पाऊँगा क्योंकि मैं वहाँ पर अकेला पड़ जाऊँगा, लेकिन अभी भी तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। और तभी सभी लोग इस बात को लेकर रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं, हम जाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम इस बात के लिए रेडी हैं कि हम आपके साथ मर जाएंगे, लेकिन हम आपके साथ ज़रूर जाएंगे। और तभी कुंगियान भी अपनी स्वॉर्ड ऊपर करता है और बोलने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो सभी लोग यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पर भाई एक नई कहानी की स्टार्टिंग होती है, अब इसकी बहन की खोज यहाँ पर शुरू होती है, कुछ तो पॉइंट मिला है इसे इस तरीके से। और तभी कुंगियान उसे कह लगता है, इस कमीने डेविल को मतलब इस यतियान को यहाँ से ले चलो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट में मेरे साथ। तभी नेक्स्ट सीन में हमें हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का गेट दिखाया जाता है, यहाँ पर कुंगियान और कुंगियान की टीम मतलब पूरे पूरे गाँव वाले टाउन वाले वहाँ पर आ गए हैं। तभी सामने किसी के बंदे को दिखाया जाता है जो कि उन सभी को देख कर बोलने लगता है, ये एल्डर डिंग नहीं है जो कि यतियान के डिसिपल है, एल्डर डिंग का डिसिपल है वो, इसका नाम यतियान है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, इस नल्ले को तो देखो इन कुछ चूजों के हाथों इसे पकड़ा गया है, अपने आप को पकड़ा लिया इसने और अपने घुटनों के बल यहाँ पर फोर्स करके लाया गया है सेट गेट के सामने, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात है। और सामने थे हमें उन गायों को दिखाया जाता है जो कि उसको बांध कर लेकर आ रहा होता है। तभी जो सामने बंदा होता है वो उससे कहने लगता है, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ तो जल्दी होने वाला है, जो एल्डर डिंग है उनका जो ग्रैंडसन है वो आसपास ही है, तो मैं जल्दी से जाकर उसे बता देता हूँ इस चीज़ के बारे में। तभी जो मोजियान होता है वो उनसे कहने लगता है, मैं जीजियांग सिटी का मास्टर हूँ और मेरा नाम जी मैन है, और ये त्यान ने जो हमारे सिटी के साथ किया है मैं उसकी एक्सप्लेनेशन तुमसे लेने के लिए आया हूँ और जाना चाहता हूँ आखिरकार तुमने हमारे सिटी के साथ ये सब क्यों किया। ये त्यान और उसके मास्टर ने यहाँ हमारे सिटी के पास कई सारे मास्टर को कंट्रोल किया और हमारे सिटी पर हमला बोल दिया, ऐसा क्यों किया इन्होंने। हेवनली स्वॉर्ड सेट एक वेल नोन क्लैन है, तो हम चाहते हैं कि इस सेट के जो क्रिमिनल है उसे पनिशमेंट दी जाए लॉ के हिसाब से और हम सभी को कंपनसेट किया जाए। तभी हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है, वो उससे बोल लगता है, क्या कंपनसेट चाहते हो तुम, ये कितनी ज़्यादा मजाक करने वाली बात है। और तभी जो सामने खड़ा होता है वो दिंग ही का ग्रैंडसन होता है जिसका नाम दिंग जी जिया होता है, तुम जिया कहेंगे इसे। तभी जिया उससे कहने लगता है कि एक तो तुमने हमारे पर्सन को हमारे बंदे को पकड़ कर रखा हुआ है और यहाँ पर तुम हमसे एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए आए हो, यहाँ पर हम हैं जो तुमसे एक्सप्लेनेशन मांगना चाहते हैं कि तुमने हमारे बंदे को क्यों पकड़ रखा है। तभी जी वो भड़क जाता है और उसे बोलता है, आखिरकार तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जिया सीधे उस पर अटैक कर देता है और उसे बोल लगता है, मैं वो हूँ जो तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हुआ है
और तभी वो अपने फुल फोर्स में उसकी तरफ अटैक कर देता है और अपने हमें दिखा जाता है उसके पीछे उसकी एनर्जी का वुल्फ बन जाता है उस पर अटैक करते हुए। ये देख कर जिया भी डर जाता है और तभी जो जिंग योन होता है वो अपने फादर को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और बोलने लगता है फादर जरा देख कर, और सभी के सभी लोग उसे टॉर्च करने के लिए बोलने लगते हैं। तभी जितने भी गाँव वाले होते हैं बोलने लगते हैं जो भी ये हेवनली सॉर्ड सेट के लोग हैं वो बिना रीजन के लोगों को मारते हैं, इनका जो क्लैन है वो बस नल्लों से भरा हुआ है, इन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए जरूर। तभी जो जीमैन होता है वो इस अटैक को देखने के बाद सुनने पड़ जाता है और बोलने लगता है तो अब समझ में आया हम लोग सच में ही वाकई में बहुत ज़्यादा कमजोर हैं, तो हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन मांगने का हक है वो भी नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कमजोर हैं इस कारण से। तभी हमें कुंग्यान को दिखाया जाता है जो कि फुल स्पीड में आता है और उसके अटैक को रोकता है और बोलने लगता है तुम किसी को मारना चाहते हैं वो भी मेरे सामने, आखिरकार तुम्हें इतनी ज़्यादा हिम्मत दी किसने, और उसके अटैक को इजीली डॉच कर लेता है, रोक लेता है। तभी जब कुंग्यान अपनी स्वॉर्ड उसके अटैक के सामने रखता है तो जो जिए का अटैक होता है वो उसके चीतरे चीतरे उड़ जाते हैं और कुंग्यान अपनी हवाली फायर का इस्तेमाल करता है अपनी स्वॉर्ड के साथ मिलाते हुए, और तभी एक मॉन्स्टर टाइप उसके सामने आ जाता है और उसका जो वुल्फ है उन दोनों की फाइट सामने से तबाड़तोड़ चल रही होती है और जिए की जो स्वॉर्ड होती है उसके टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं और कुंग्यान के मॉन्स्टर ने उसके मॉन्स्टर को जिए के मॉन्स्टर को तो अपने मुंह में ही चबा लिया है। अब लग रहा है ना ताबड़तोड़ वाली फाइट, और जिए की उस एक अटैक के कारण ऐसी हालत ख़राब होती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो दूर जाकर ज़मीन पर गिर जाता है। कई वहाँ पर जितने भी लोग हुए होते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, रिसीवर होते हैं, हेवनली स्वॉर्ड सेट के स्टूडेंट होते हैं, वो उससे कहने लगते हैं ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, एक इनिशिएट रैली के सेकेंड लेवल पर हमारे ब्रदर ज्यान के अटैक को इस तरीके से कैसे तबाह कर सकता है, अगर ये वीक लेंगे तो हम लोग कौन है भाई। तभी एक बंदा होता है वो उससे कह लगता है लेकिन ये बंदा जरूर यहाँ पर मारा जाएगा क्योंकि ये हमारे हेवनली स्वॉर्ड सेट के एल्डर का ग्रैंडसन मतलब ग्रैंडसन है, और वही बाकी के बाद तो वो भी इसके साथ मारे जाएंगे यहाँ पर। और जितने भी टाउन वाले होते हैं वो ये देखकर मुझे तो खुश हो जाते हैं और बोले लगते हैं उसकी जयजयकार करने लगते हैं यून की। और तभी एक बंदर होते हैं उससे कहने लगता है कि मैंने मास्टर यून को कई बार फाइट करते हुए देखा है लेकिन अभी की जो स्किल थी वो वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। और तभी एक बंदा उसे बोलने लगता है जब भी मैं मास्टर यून के साथ होता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग जीत सकते हैं इनसे। और जीमैन भी ये देखकर वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है और फिर झुककर कोई ऐसे बोलने लगता है मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या कहूँ लेकिन आपने मेरी जान बचा ली है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिंगयून भी उससे कहने लगता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चाहे इतना शुक्रिया करूँ उतना ही कम है लेकिन फिर भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ अपने फादर की तरफ से। और कुंग्यान आगे बढ़ता है और बोलने लगता है उनसे तो मैं ये सब करने की जरूरत नहीं है, चलो आगे चलते हैं पहले अपने मैटर को सॉल्व करते हैं। और कुंग्यान की ये देखकर बहुत ज़्यादा सनक गई होती है और उससे बोलने लगता है तुम मुझे लगता है कि तुम उन लोगों को मारना ज़्यादा पसंद करती हो जो कि तुम्हारी बात से सहमत नहीं होते हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, और मुझे वह काम पसंद है जो सामने करना चाहते हैं उन्हें बिल्कुल सेम टू सेम लौटा आना। और कुंग्यान भी अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है जिसको देखकर जी डर जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं, आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है और उससे बोलता है कुंग्यान अब तुम बाहर में जाओ और उस पर अटैक कर देता है। तभी जो जिए होता है वो ग्रैंडफादर रोते हुए चिल्लाने लगता है और बोलता है ए ग्रैंडफादर मुझे बचाइए मैं मरने वाला हूँ यहाँ पर। और तभी हमें किसी बंदे को दिखाया जाता है वो अटैक करता है कुंग्यान के अटैक पर और उससे बोलता है किसमें इतनी हिम्मत हुई जो मेरे ग्रैंडफादर को यहाँ पर मारने वाला है। और कुंग्यान उसके अटैक के कारण पीछे जाकर मतलब पीछे हो जाता है उसे फोर्स से और वहाँ के आसपास का जो एरिया है वो तबाह हो जाता है, भाई कितना तोड़ते हैं जमीन को ये लोग। तभी हमें हेवनली स्वॉर्ड सेट के थर्ड एल्डर दिंग ही को दिखाया जाता है जो कि एक छड़ी लेकर उसके पास आ जाता है अपने ग्रैंडसन को बचाने के लिए। और जो जी होता है ये देखकर खुश होने लगता है और बोलने लगता है अब देखता हूँ अब मुझे कौन हरा सकता है, मैंने तो अपनी जो जिंदगी है वो लगभग खो ही दी थी। तभी जो ये तैन होता है उसके मास्टर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और बोलने लगता है अच्छा हुआ कि जो मेरे मास्टर दिंग है वो यहाँ पर आ चुके हैं, अब कुंग्यान को मरने से कोई भी यहाँ पर नहीं बचा सकता, एक बार कुंग्यान यहाँ पर मारा गया तो जो सच है वो यहाँ पर छुप जाएगा और कोई भी असलियत का पता नहीं लगा पाएगा मेरे होते हुए। और कुंग्यान भी देख रहा होता है उसको इसकी इस पावर को। तभी कुंग्यान उससे कहने लगता है हे ओल्ड मैन मुझे लगता है तुमने काफ़ी समय तक देख लिया है परछाई से मतलब अंधेरे में रहकर मुझको, अगर जो तुम्हारा ग्रैंडसन है वो यहाँ पर नहीं मरता तो मुझे लगता है तुम यहाँ पर आते भी नहीं इन्हें बचाने के लिए। ये सुनने के बाद दिंग भड़क जाता है और उसे बोलने लगता है तुम अपनी बकवास बंद करो और मेरे ग्रैंडसन को यहाँ से जाने दो और अपनी पावर को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर लो, मैं यहाँ पर तुम्हें माफ़ कर दूंगा जिसकी वजह तुम मेरे इस तरीके से मतलब आरोप लगा रहे हो उसके लिए। तभी कुंग्यान उससे कहता है मैं तुम पर आरोप लगा रहा हूँ वो भी झूठे, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, जब मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि तुम अपनी गिल्ट को यहाँ पर मतलब मानने नहीं वाले कि तुमने क्या गलत काम किया है। तभी कुंग्यान से कहने लगता है कि यहीं पर रुक जाओ और अपनी सारी की सारी पावर को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर लो, यंग मैन तुम्हें ये जान लेना चाहिए कब तुम्हें रुकना चाहिए। तभी कुंग्यान भी ये देख कर भड़क जाता है और उससे बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है तो अब मुझे टकने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है, और उस पर अटैक करने के लिए रेडी होता है।
और तभी जो दियो होता है वो भी अपनी फुल पावर के साथ उससे फाइट करने के लिए तैयार होता है और वहीं पर दोनों फाइट करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही दोनों की पावर आपस में टकराती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके कारण आसपास की जमीन हिलने लगती है। जबकि जितने भी लोग होते हैं बोलते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जो कुंगयान है वो वाकई में हमारे एल्डर के सामने फाइट करने की हिम्मत कर रहा है। अरे इसकी हिम्मत को देखो इतनी बढ़ चुकी है, क्या ये सच में अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। और दूसरी तरफ हमें कुंगयान को दिखाया जाता है जिसके जो कि उसके चारों तरफ धुआं धुआं होता है उसके अटैक के कारण और उसकी स्वॉर्ड में से बिजली गड़क रही है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो कुंगयान है उसके ग्रैंडसन को दीकी ग्रैंडसन को बुरी तरीके से मार दिया है और वो पहुंच गए स्वर्ग नरक जो भी पहुंचना था वहां पहुंच चुके हैं। इसको सुनने देखने के बाद जो एल्डर होते हैं वो भड़क जाते हैं और वहीं पर जोरों जोरों से रोते रोने लगते हैं। और इसी दुखद घटना के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। जय हिंद।